हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्यूजन फूड। मैं हूँ सारिका। आज बनाने जा रही हूँ सूजी से बहुत ही चटपटा यम्मी ब्रेकफास्ट, वो है सूजी लॉलीपॉप्स। इसे बनाना बहुत ही आसान है, कुछ ही मिनटों में तैयार हो जाता है। तो चलिए फटाफट से बना लेते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेट करें ताकि मेरी हर नई रेसिपी आप तक जरूर पहुँचे। ये मैंने गैस पे पैन चढ़ाया है। अभी इसमें लेंगे एक बड़ा चम्मच रिफाइंड ऑयल। तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अभी इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून जीरा, हाफ टी स्पून राई, वन फोर टी स्पून हींग, एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च, थोड़े से कड़ी पत्ते। इसे हल्का सा पका लेना है। अब इसमें डालेंगे एक चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट को हल्का सा पका लेना है। ये देखिए, इसे हल्का सा पका लिया है, बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी है। अब इसमें डालेंगे 2 कप पानी, ये नॉर्मल पानी है। हमें इसे पानी उबाल आने तक अच्छे से पका लेना है। पानी उबाल आए तब तक हम बीच में डालेंगे हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून रेड चिली फ्लेक्स, थोड़े से बारीक कटे हुए काजू। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके हमें पानी उबाल आने तक अच्छे से पका लेना है। ये देखिए, पानी में अच्छे से उबाल आ गया है। अभी इसमें डालेंगे 1 कप सूजी। आप कोई भी सूजी डाल सकते हैं, बारीक या मोटा, कोई भी आपके घर पे अवेलेबल हो वो डाल सकते हैं। अभी इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एक साथ नहीं डालना है ताकि इसमें कोई गुठलियाँ ना बने। मैंने इसमें सारी सूजी डाल दी है। अब इसे अच्छे हल्का सा पका लेना है। हमें धीमी आंच पे पकाना है, जब तक इसमें पानी सोख ना ले हमें तब तक पकाना है। ये देखिए, सारा पानी सोख लिया है। गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं। अब इसे ढककर 5 मिनट के लिए ऐसे ही रख लेते हैं। 5 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन खोल के इसे एक प्लेट में ले लेते हैं। सूजी अब बहुत गर्म है, इसलिए अब इस स्पैचुला की मदद से इसे अच्छे से फैला कर इसे अब हल्का ठंडा होने के लिए रख देना है हमें। ये देखिए, इसे अच्छे से फैला दिया है। ये ठंडा होए तब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। ये मैंने बड़ा सा पतीला लिया है, इसमें 1 गिलास पानी डाला है, इसके बीच में रिंग रखी है। अब इसे ढककर हम स्टीम के लिए रख लेते हैं। ये मैंने एक जाली ली है इस तरह की, इसे अब तेल से ग्रीस कर लेना है। इसके मैंने चारों तरफ अच्छे से ग्रीस कर लिया है। अब इसे साइड में रख लेते हैं। ये देखिए, सूजी का बैटर हल्का सा ठंडा हो गया है। ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, हल्का सा ठंडा करना है। अब इसे अच्छे से मसल कर हम इसका सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। ये देखिए, हमारा सॉफ्ट डो तैयार हो गया है। अब इसका थोड़ा सा पोर्शन लेकर इसके छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे। इसे हाथों से इसे मसल कर इस तरह के बॉल बनाने हैं। ये देखिए, ये साइज के बॉल्स। इसी तरह बाकी के बॉल्स बनाएंगे। ये मैंने सारे बॉल्स बना लिए। जो जाली जो ग्रीस की है उसमें एक एक करके सारे बॉल्स रखेंगे। ये इसमें मैंने सारे बॉल्स रख लिए हैं। अब इसे स्टीम होने के लिए रखेंगे। ये देखिए, ढक्कन खोल के चेक करते हैं। ये देखिए, पानी अच्छे से गर्म हो गया है। अभी इसे 10 मिनट के लिए मीडियम आंच पर इसे अच्छे से ढककर स्टीम होने देना है। पूरे 10 मिनट हो गए हैं। इसे ढक्कन खोल के चेक कर लेते हैं। हमें इसे ज़्यादा स्टीम नहीं करना है, 10 मिनट ही करना है। अभी इसे बाहर निकाल देना है। अभी सूजी बॉल्स को अच्छे से ठंडे होने देना है। ये देखिए, सूजी बॉल्स अच्छे से ठंडे हो गए हैं। अभी इसे फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए पहले हम मसाला तैयार करेंगे। उसके लिए एक छोटा सा बोल, उसमें लेंगे 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी, 1 चम्मच गरम मसाला, नमक स्वाद अनुसार, 2 चम्मच पानी। इसे अब अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखिए, हमारा मसाला तैयार हो गया है। अब इसका तड़का तैयार करेंगे। पैन अच्छे से गर्म हो गया है। अभी इसमें लेंगे 2 बड़े चम्मच तेल,
तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अब इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून राई, हाफ टी स्पून जीरा, दो हरी मिर्च, थोड़े से कड़ी पत्ते, एक चम्मच तिल। सारे ड्राई मसाले को अच्छे से पका लेना है। ये देखिए हल्का सा चटकने लगा है, अच्छे से पक गया है। अब इसमें जो मसाला बनाया था, अब इसमें वो मसाले डालेंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके इसे अच्छे से पका लेना है। ये देखिए मसाले में अच्छे से उबाल आने लगा है, मसाला अच्छे से पक गया है। अब इसमें सूजी बॉल्स डालेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखिए हमारा सूजी बॉल अच्छे से फ्राई हो गए हैं। वे गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं, थोड़े धनिया से गार्निश कर लेते हैं। इसे फिर से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए हमारा सूजी बॉल्स अच्छे से फ्राई हो गए हैं। इसे सूजी लॉलीपॉप क्यों कहा जाता है ये आपको सर्विंग प्लेट पर ही पता चलेगा। ये देखिए हमारा सूजी बॉल्स रख लिया है। अब इसके ऊपर लगाएंगे टूथपिक। अभी पता चला कि इसे सूजी लॉलीपॉप क्यों कहा जाता है। आप इसे कोई भी सॉस या चटनी के साथ खाने का एंजॉय कर सकते हैं। आप भी बनाइए और ज़रूर कमेंट कीजिए कि आपको सूजी लॉलीपॉप कैसी लगी है। अब मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।